सबसे पहले हम ढोल बनाएंगे। ढोल के लिए हमें गाइडलाइन लेनी है। उसके लिए पहले हम यहाँ पे 3 डॉट लगाएंगे। जिस शेप में आपको बनाना है उस शेप में मुझे जो अपनी ढोल बनानी है उसकी शेप मुझे इस वाले एंगल में लेनी है, थोड़ा तिरछा करके। तो मैंने बीच में 2 डॉट लगाई, एक ही सेंटर में, एक ही लाइन में। इधर भी 2 डॉट है, इधर भी और यहाँ पर भी। अब जो ये बीच वाली डॉट हैं इसके ऊपर की साइड में 1 डॉट लगाऊंगी और एक नीचे की साइड में। ऐसे आपको प्रॉपर गाइडलाइन लेनी है। इसके बाद जो हमारी साइड वाली डॉट है उन पे हमें यहाँ पे कर्व शेप में इधर की साइड से उठाएंगे और इधर की डॉट पर मिला देंगे। सेम ऐसे ही इधर की साइड करना है, कर्व शेप में लाइन उठानी है। ये दोनों साइड में हमें इधर से भी कर्व शेप लेना है, इधर से भी। तो ये बोट के शेप में हमें दोनों शेप बना लेनी है। अब जो हमारी बीच वाले डॉट हैं दोनों साइड में, यहाँ से हम लाइन उठाएंगे और इस डॉट पे मिला देंगे। फिर यहाँ से इधर की साइड इस कोने पे मिला देंगे। सेम ऐसे ही इधर की साइड करना है। यहाँ से लाइन लेंगे, इस लाइन पे मिलाएंगे और यहाँ से इस लाइन को वापस इधर की साइड मिला देना है। तो ये हमारे ढोलक बनके तैयार हो गई, मींस ढोलक की शेप बन गई। अब इसको डेकोरेट करेंगे। तो आप पूरी में इसमें चेक यूज कर सकते हो, फिलिंग एलिमेंट यूज कर सकते हो या फिर बॉर्डर यूज कर सकते हो। जो ये साइड वाले कॉर्नर है यहाँ पे हम बीच की साइड को, जो ये बीच की साइड है इसको फिल करेंगे। यहाँ पे इसको फिल कर देंगे। इधर की साइड भी सेम ऐसे ही करेंगे। अब इसमें पूरी को डेकोरेट करने के लिए आप बीच की शेप में बॉर्डर यूज कर सकते हो या फिर पूरी की पूरी ढोलक में एक ही डिजाइन यूज कर सकते हो या पूरी ढोलक में आप चेक वगैरह यूज कर सकते हो। यहाँ पे बीच में आप सिंपल लाइन भी यूज कर सकते हो, बॉर्डर बना सकते हो और साइड में फिलिंग एलिमेंट यूज कर लो या कोई भी डार्क लाइन है यूज कर लो। यहाँ पे मैंने स्नेक लाइन यूज की है, इसकी साथ में छोटे वाले डॉट। अब इसको हम बाद में फिल करेंगे, अभी इसके साथ में हम छोटे वाला ढोल बना लेते हैं। उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए भी पहले गाइडलाइन लेनी है। तो उसको हम थोड़ा इसके पीछे की साइड बनाएंगे। तो हमें क्या करना है कि हमारा ये फ्रंट होगा यहाँ पर, तो पहले गाइडलाइन लेंगे। 1 डॉट मैंने इधर लगाई, एक इधर लगाई। अब इसके बीच का जो पार्ट है यहाँ पे बैलेंस लेंगे और यहाँ पर गाइडलाइन लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये ऊपर का जो पार्ट होगा वो आएगा। यहाँ पे बीच में भी 2 डॉट लगा लीजिए कि इतनी इसकी ऊपर की जो फ्रंट होगा उसकी चौड़ाई रखनी है।
अब जो हमने नीचे वाली लाइन ली है इसको यहाँ पर ऐसे गोलाई में यहाँ तक मिला देंगे। आप सबसे पहले यहाँ पे डॉट फॉर्म यूज करोगे, उसके बाद इसको फाइनल लुक दोगे। जो बीच का पार्ट होगा उसको डार्क करेंगे, ऐसे ही बोर्ड शेप में यहाँ पर गाइडलाइन बनाएंगे और उसको फिर डार्क करेंगे। अगर आप स्टार्टिंग में सीख रहे हो तो कोई भी आप वर्क कर रहे हो, सबसे पहले आप डॉट फॉर्म में यूज करोगे, उसके बाद उसको फाइनल करोगे। अब मुझे यहाँ पे सहनाई ऐड करनी है, आप इसके साथ में कलर्स भी ऐड कर सकते हो, डबल सहनाई यूज कर सकते हो, और या फिर ये डबल छोटे वाले ढोलक यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डबल सहनाई यूज करूँगी, एक ऊपर की साइड से और एक नीचे की साइड। तो सहनाई बनाने के लिए क्या करना है, एक अगर मुझे सीधी सहनाई बनानी है तो मुझे यहाँ तक इसकी लंबाई लेनी है। ये मैंने दो डॉट बना लिए गाइडलाइन के लिए, यहाँ पे मैंने दो डॉट बनाए। अब मुझे इधर इसका फ्रंट रखना है, तो जो ये वाली डॉट है इसके साथ में मैंने एक डॉट यहाँ पे लगाई, एक यहाँ पे लगाई, ये बीच में है। और यहाँ पर भी मैं इसको कर्व शेप में, मीन्स बोट वाली शेप में, यहाँ से सहनाई का जो फ्रंट होगा वो मैं बनाऊँगी। अब यहाँ पे जो मैंने डॉट ली है यहाँ पर, इसको बीच की साइड से हल्का सा गोलाई में यहाँ पर मिलाएंगे, और इधर की साइड से भी ऐसे ही अंदर की साइड गोलाई देनी है। अगर आपको पीछे का पार्ट चौड़ा रखना है तो थोड़ा सा यहाँ पे पार्ट को ऐसे चौड़ा कर लेंगे, और नोक बनानी है तो इसको यहाँ पर बिल्कुल नोकीला बना देंगे। फीलिंग के लिए आप कोई भी वर्क यूज कर सकते हो, सहनाई में भी और ढोलक में भी। पूरे में चेक और पूरे में बॉर्डर या फिर कट वर्क कुछ भी यूज कर सकते हो। सहनाई में मोस्टली लाइनें और बॉर्डर यूज होते हैं, जो आगे का चौड़े वाला पार्ट होता है यहाँ पे आप चेक वगैरह यूज कर सकते हो। यहाँ पे जो फ्रंट होगा यहाँ पे बीच का पार्ट जो होगा उसको डार्क करेंगे। अब यहाँ पर मुझे एक सहनाई इसमें ऊपर की साइड लेनी है, और साथ में मुझे कलस भी ऐड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं कलस ऐड करूँगी। कलस यहाँ पे मेरा पूरा दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो थोड़ा इनके पीछे रहेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा मुझे कि मुझे ना यहाँ पर पहले यहाँ पे कलस की शेप ड्रॉ करूँगी, वो भी डॉट फॉर्म में। यहाँ पे ये मैंने कलश का ऊपर वाला पार्ट बनाया। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा स्पेस ऐसे अंदर की साइड लेंगे और यहाँ पर फिर गोलाई देंगे। हमारी गोलाई दोनों साइड में बराबर हो इसके लिए हमें यहाँ पे गाइडलाइन लेनी है कि यहाँ तक हमारा कलश आएगा। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे उठाएंगे और यहाँ पर गोलाई में मिला देंगे। इधर की साइड से भी यही करना है, यहाँ से उठाना है और यहाँ पे मिला देना है। अभी आप जो भी करोगे, अगर आप बिगनर्स हो तो सबसे पहले डॉट लगाओगे, डॉट के बाद में उसको फाइनल लुक दोगे। स्टार्टिंग में आपको जो लाइनें बनानी है वो एक ही बार में फाइनल नहीं बनानी है। अब यहाँ पर हम नारियल ऐड करेंगे। आप चाहे तो स्टार्टिंग जो करेंगे यहाँ पर, यहाँ पे लीफ बना सकते हो, और या फिर डायरेक्ट पहले नारियल बनाएंगे उसके बाद पीछे की साइड यहाँ पे लीफ ड्रॉ कर देंगे।
लीफ भी आप दो तीन तरह से बना सकते हो, इनके बीच में लाइन बना सकते हो, और या फिर इनको पूरा फिल करके बना सकते हो। बीच की पार्ट की एक लाइन छोड़ेंगे और जो हमारी साइड वाली कोने वाली जो लाइनें होंगी उनको डार्क कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे 4 लीफ बना सकते हो या 5 बना सकते हो। इसमें शेडिंग करेंगे नारियल में, और जो हमारी लीफ है उनमें या तो डार्क बनाएंगे इनको ऐसे, और या फिर लाइन लाइन बना देंगे बारीक वाली, बीच का पार्ट खाली छोड़ेंगे, जिससे हमारी जो लीफ है उसका लुक अच्छा है। अब यहाँ पर भी कलर्स को आप डेकोरेट करेंगे। ये वाला हमारा बॉर्डर होता है, बॉर्डर के साथ में आप सिंपल चेक लगा सकते हो या फिर फिलिंग वगैरह डाल सकते हो। अब यहाँ पर हमारी 4 चीज़ें आ चुकी हैं। ढोलक आ गई, ढोल आया, कलश आया और एक शहनाई आई। अब इसके साथ में मुझे एक शहनाई और ऐड करनी है, तो उसको मैं, क्योंकि इनमें स्पेस ज़्यादा नहीं देना है, इनको पास पास रखना है। आप जब इसको हैंड पे अप्लाई करोगे तो स्पेस ज़्यादा नहीं रखना है, जितना ही पास बन सकते हैं उतना पास पास में बनाना है। तो यहाँ पर जो दूसरे वाली शहनाई होगी उसका फ्रंट जो है ऊपर की साइड में ले रही हूँ, तो वही करना है कि यहाँ पे आपको एक डॉट लगाना है और हमारी ये शहनाई यहाँ पर पीछे की साइड जाएगी, तो ये सिर्फ ऊपर की तरफ ही दिखाई देगी, नीचे की साइड नहीं दिखाई देगी। तो यहाँ पे मैं इसका फ्रंट बना लूँगी। अंदर की साइड को फिल करेंगे। अब यहाँ पर जो शेप बनाएंगे उसको डॉट डॉट बना के पहले आप ऐसे गाइडलाइन लेंगे, उसके बाद इसको फाइनल लुक देंगे। अगर आपको शहनाई को पीछे की साइड भी दिखाना है तो आप यहाँ पे निकाल सकते हो कि गोलाई में यहाँ पर आई और इधर की साइड ही निकल जाएगी। तो ये आपको बीच में फिर इसकी लाइन लेनी होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा स्पेस बना हुआ है। तो ये आपकी यहाँ पे दूसरे वाली शहनाई आ जाएगी। अब इसको आप अपने अकॉर्डिंग डेकोरेट कर सकते हो। यहाँ पे ढोलक में जब भी डेकोरेट करेंगे तो आप या तो बीच का पार्ट बना लो या फिर पूरी की पूरी ढोलक में चेक वगैरह बना लो, या पूरी ढोलक में फिलिंग एलिमेंट यूज कर लो। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपको जब भी वर्क कर रहे हो अपनी कोन के टिप को क्लीन रखना है, बार बार उस पर मेहंदी पेस्ट इकट्ठे हो जाते जाता है तो वो आपके वर्क में फिर फिनिशिंग नहीं आने देता। तो जब भी काम करो तो आपके काम में फिनिशिंग आए, इसके लिए आपको बार बार कोन की टिप को क्लीन करना होगा।
मैंने यहाँ पर दोनों साइड में दो तरह का डिज़ाइन यूज किया है। आप अगर बना रहे हो तो एक में ये वाला डिज़ाइन यूज करके जब ट्राई करो और एक में ये वाला डिज़ाइन ट्राई करो। इसमें हम क्या करते हैं, इसको जो ये स्पेस बचता है उसको पूरा फिल कर देते हैं। यहाँ पर इसको पूरा फिल करेंगे ऐसे ही, सेम इधर की साइड भी अप्लाई करते हैं। अगर ये वाला डिज़ाइन बना रहे हो तो लाइनों के साथ में ये फिलिंग एलिमेंट यूज करते हैं और जो बाकी स्पेस बचता है उसको पूरा फिल कर देते हैं। अब लास्ट में ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद में एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप पूरा काम कर रहे हो तो लास्ट में कंप्लीट होने के बाद आपको आउटलाइन जरूर देनी है। आउटलाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके वर्क को क्लीन दिखाने के लिए। अब यहाँ पर कलश में फिलिंग करोगे तो आप ऊपर की साइड से करते चलोगे। यहाँ पे कलश में तो शेडिंग करनी है, हल्के हाथ से शेडिंग करनी है, बिल्कुल लाइट प्रेशर रखना है कोन पर, ज़्यादा पेस्ट नहीं निकालना है। यहाँ पे आप स्वास्तिक बना सकते हो और या फिर इसको ऐसे ही सिंपल भी रख सकते हो। यहाँ पे नारियल की आउटलाइन करेंगे। अभी जो ये स्पेस बचता है यहाँ पर आप जो सिंपल बॉर्डर है वो यूज कर सकते हो। हेलो गाइस, कल से मेरी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हैं। आप में से जिसको भी रजिस्ट्रेशन कराना है वो करा सकता है। थैंक यू सो मच।